माय फ्रेंड्स, अगर आप भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आपका सपना टीचर बनने का है तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। झारखंड राज्य बनने के 21 साल के बाद पहली बार इतने बड़े लेवल पर वैकेंसी अनाउंस करने की तैयारी की जा रही है। पूरे झारखंड के प्राइमरी और मिडिल सेक्शन के स्कूलों में लगभग 71,000 टीचर्स के पोस्ट जो हैं वो खाली हैं, जिसके लिए राज्य सरकार वैकेंसी निकालने की तैयारी कर रही है। और इसके लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने शिक्षा मंत्री के पास जो है अपना प्रस्ताव भेजा है। उम्मीद की जा रही है कि शिक्षा मंत्री ही शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के इस प्रस्ताव को अपनी सहमति जल्दी ही दे देंगे। यहाँ ध्यान देने वाली एक बात यह है कि पूरे देश में 18 स्टूडेंट्स पर एक टीचर की व्यवस्था करने का सरकारी नियम है, परंतु केवल झारखंड में 26 प्रत्येक 26 बच्चों पर एक टीचर होना जरूरी है। लेकिन शिक्षकों की कमी को देखते हुए छात्र शिक्षक का ये अनुपात जो है वो कहीं भी फुलफिल नहीं हो पा रहा है और लगभग 21 सालों में स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो लगभग दोगुनी हो गई है, लेकिन ना ही टीचर्स का रिक्रूटमेंट टाइम पर हो पाया और ना ही बाकी चीज़ें फुलफिल हो पाई, जिसकी वजह से स्कूलों में आज भी बहुत बड़े अमाउंट में जो शिक्षकों का पद है वो खाली है। पहले झारखंड में लगभग 20,000 के आसपास सरकारी विद्यालय थे, लेकिन आज इनकी संख्या बढ़कर 35,000 से भी अधिक हो गई है। इस सरकार ने स्कूलों की तो संख्या बढ़ा दी, लेकिन उस अनुपात में आज तक शिक्षकों की बहाली नहीं हो पाई, ना ही टेट एग्जामिनेशन समय पर हो पाए हैं। लेकिन इस प्रस्ताव की मंजूरी मिलते ही आशा की जा रही है कि बहुत बड़े संख्या में टीचर्स की बहाली की जाएगी। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ट्रेंड इंटर जो टीचर्स हैं उसके लिए जो स्वीकृत पद हैं वो 53,352 है, जबकि केवल 35,517 टीचर्स ही जो हैं वो आज जॉब में हैं और 17,835 टीचर्स के पोस्ट जो हैं वो केवल प्लस टू में खाली हैं। ठीक है, उसी तरह जो TGT हैं, जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स हैं, उनके 10,782 पोस्ट जो हैं वो पद स्वीकृत हैं, परंतु केवल झारखंड में 5,892 टीचर्स ही लगभग जो हैं वो अभी काम कर रहे हैं और लगभग 4,800 के आसपास जो पोस्ट हैं वो खाली हैं। तो अगर टोटल देखा जाए इस टाइप से सब कुछ मिला जुला के, तो पूरे झारखंड में लगभग 71,900 जो पोस्ट हैं वो अभी भी खाली हैं। तो माय फ्रेंड, दिस इज़ द एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू मेक योर करियर इन ए राइट वे। और इस बहाने में पारा शिक्षकों का भी ध्यान रखा जाएगा। नियमानुसार पारा शिक्षकों को भी इस वैकेंसी में जो है वो रिजर्वेशन दिया जाएगा, बाकी जैसा रिजर्वेशन SC ST OBC एक सर्विसमैन के लिए होता है उन सारी नियमों का इस पर ध्यान रखा जाएगा। लेकिन आशा है कि जल्दी ही एक महीने या इससे भी कम समय के अंदर, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो ये वैकेंसी अनाउंस की जाएगी। करियर और एजुकेशन से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ रैपिड में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन उनको भी मिल सके। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी इस टाइप की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे।